अस्सलामुअलैकुम, हैव अ लवली मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड। आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं? चलिए पहले मुझे बताइए कि कल आप लोगों ने क्या किया था। कल हमने रीडिंग की थी, आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम न्यू एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। आज मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपने उसका रिप्लाई करना है, ठीक है। आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी कम टू अवर चैप्टर द राइट डिसीजन। ओके, आपको पता है कि गुड लीडर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? यू नो व्हाट आर द क्वालिटीज़ प्रेजेंट इन अ गुड लीडर्स? ये आपने डिस्कस करना है। ओके, फर्स्ट हम चैप्टर से रिलेट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड लीडर? ओके, नाउ वी कम टू अवर डिस्कशन। गुड लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? गुड लीडर सेट प्रायोरिटीज एंड फोकस ऑन की टास्क। यानी गुड लीडर का जो टास्क होता है, जो भी उन्हें दिया जाता है, यानी लीडरशिप स्किल पर उन्हें पूरी तरीके से फोकस रखना होता है। उन्हें इस बात पर फोकस रखना होता है कि क्या वो उनकी जो रियाया है वो उनसे हैप्पी हैं या नहीं, क्या वो उनके साथ अपनी ज़िंदगी जो वो गुजार रहे हैं उससे सेटिस्फाई है या नहीं। ये सब लीडर को मैनेज करना पड़ता है। गुड लीडर प्रॉपरली यूजेस द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ पीपल एंड मनी फॉर द सक्सेस ऑफ द कंट्री। गुड लीडर वो होता है जो कि जैसे गवर्नमेंट के पास कुछ मनी होती है जो कि उनके फंड्स में मौजूद होती है, तो गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि उस फंड से वो अपनी कंट्री के तमाम लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये लीडरशिप के ऊपर होता है कि किस तरीके से वो किस अंदाज में क्या क्या फैसिलिटीज़ अपनी रियाया को प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके लिए कितनी मनी की ज़रूरत होती है और क्या क्या रिसोर्सेज उन्हें चाहिए होती हैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। अ गुड लीडर सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। गुड लीडर वो होता है जो कि लोगों की बात सुनते भी हैं और उन्हें फिर मशवरे भी देते हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो इससे आपको बहुत हद तक बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। यानी सॉल्व करते हैं, वो तमाम लोगों की अपनी रियाया की हर बात को सुनते भी हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अ गुड लीडर वर्क्स हार्ड हिमसेल्फ एंड मोटिवेट्स अदर्स टू डू सेम। गुड लीडर वो होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और दूसरों को भी रागब करते हैं कि वो जो कुछ भी करें, हर काम मेहनत से किया जाता है, ठीक है। गुड लीडर नीड्स टू बी ट्रस्टेड एंड नो टू लिव अ लाइफ विद ऑनेस्टी। एक सच्चा और पक्का लीडर वही होता है जो कि ऑनेस्टली अपनी लाइफ को स्पेंड करे, यानी पूरी सच्चाई और दयानतदारी के साथ वो अपनी लाइफ को स्पेंड करें ताकि लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें, ठीक है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर टू। हजरत अबू बकर टुक सच अ लिटिल अमाउंट ऑफ पीपल फॉर हिज फैमिली। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कितनी अमाउंट में अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए कितनी अमाउंट जो है वो बैतुल माल से मुकर्रर करवाई थी अपने लिए।
हज़रत अबू बकर वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन, हज़रत अबू बकर जो हैं वो बहुत सच्चे और दयानतदार इंसान थे। ही टुक मनी डैट वॉज इनफ टू फीड हिज फैमिली एंड नॉट मोर देन डैट, यानी उन्होंने सिर्फ इतनी ही मनी अपनी फैमिली के लिए मुकर्रर की थी जो कि उन्हें फीडिंग के लिए काफ़ी होती थी, इससे ज़्यादा उन्होंने बैतुल माल से कुछ नहीं लिया। दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। यस, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वुड हैपन इफ पीपल स्टॉप गिविंग ज़कात, अगर लोगों ने ज़कात देना छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? क्या होगा? पुअर पीपल की हेल्प कैसे होगी, है ना? पुअर पीपल, उनको तो फिर फूड कैसे मिलेगा? जब रिच पीपल को अल्लाह ताला बहुत सारे मनी देते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो पुअर पीपल की हेल्प के लिए हम ज़कात पे करते हैं, ठीक है? नाउ द आंसर इज़ ज़कात इज़ द मनी विच इज़ कलेक्टेड बाय द रिच एंड गिवन टू द पुअर। इफ़ द रिच पीपल स्टॉप गिविंग ज़कात then the distribution of money will be upset, the poor people will become poorer. To keep the balance of money we must circulate money evenly among the people. Zakat is very important to be collected from the rich to given the poor people. Yani ke jo zakat kya hota hai, वो मनी जो कि हम रिच पीपल से कलेक्ट करते हैं और वो हम गरीबों को पे करते हैं, अगर रिच पीपल हमें ज़कात देना बंद कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, यानी कि जो हम राशन यूज़ करते हैं जो कि गरीबों को प्रोवाइड किया जाता है, तो वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? उसके अलावा जो गरीब आदमी है वो तो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, इवन उनके लिए तो खाने तक के पैसे नहीं होते हैं, तो फिर वो दूसरी चीज़ें कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? इसलिए हमने क्या किया है कि उनकी हेल्प के लिए इस्लाम ने एक निज़ाम राइज किया है जिसमें ये होता है कि जो भी अमीर और साहिब हैसियत होते हैं वो कुछ मनी जो हैं वो ज़कात के तौर पर पुअर पीपल को देते हैं ताकि उनकी हेल्प होती है और वो अपने रोज़ेमर्रा की ज़िंदगी गुजारने में उनको सहूलत मिल जाती है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई अबू बकर्स फ्रेंड डिड नॉट वांट हिम टू फाइट द पीपल हु रिफ्यूज टू पे ज़कात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ्रेंड्स ने क्यों मना किया था कि वो फाइट ना करें उनके ख़िलाफ़ जो के पे कर ज़कात पे करते हैं। हज़रत अबू बकर फ्रेंड्स डिडंट वांट हिम टू फाइट द पीपल हु रिफ्यूज़ टू पे ज़कात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ्रेंड्स नहीं चाहते थे कि वो फाइट करें उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि ज़कात पे नहीं कर रहे, बिकॉज दे थॉट इट वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इशू टू फाइट फॉर, क्योंकि वो ये सोचे थे कि ये कोई इम्पॉर्टेंट इशू नहीं है जिसके लिए हम पूरा जिहाद करें। सेकेंडली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक वॉज अ न्यू मुस्लिम लीडर सो ही शुड बी अवॉइडिंग फाइट्स, वो ये चाह रहे थे कि अभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने न्यू लीडरशिप संभाली है, तो इसलिए अगर वो फाइट वग़ैरह में पड़ जाएंगे तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फॉलोड द पाथ ऑफ इस्लाम, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो इस्लाम के रूल्स को पूरी तरीके से और बहुत पाबंदी के साथ फॉलो करते थे। ही ओबेड द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पूरी तरीके से पैरवी करते थे, इसलिए एंड सेंट द आर्मी टू कलेक्ट ज़कात फ्रॉम द रिच, इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को अपनी आर्मी को तैयार किया कि वो रिच पीपल के ख़िलाफ़ जाकर
जिहाद करें। और इस तरीके से क्या हुआ था कि उन्होंने फौरन से वो कर दिया था और वो ज़कात पे करने के लिए राज़ी हो गए थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या डिस्कस किया है? क्वेश्चन आंसर्स। तो अब आपने क्या करना है, आपने थरली चैप्टर को रीड करना है। आपकी टीचर आपको कॉल करके पूछेंगी कि आज आपने क्या किया, तो उनके साथ आपने डिस्कस करना है। ठीक है, ओके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, लव यू।